हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस व्हाट जहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए साइटो ए क्वारिलेडन बी एंडोकार्प सी एंडोस्पर्म और डी है हॉर्मोन्स सो so, इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी डबल फर्टिलाइजेशन सो अगर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करें देन हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन Plants, क्या होता है कि आफ्टर एंटरिंग ट्यूब रहते हैं जो टू मेल गैमिट्स रिलीज हुए हैं उसमें से वन फ्यूज विथ एग सेल विच रिजल्ट इन टू अ प्रोसेस नोन एज सिमी एंड रिजल्टेंट होगा वो क्या जयगॉड का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी डिप्लॉइड वेर एज दो जो दूसरा मेल गीट है वो क्या करते हैं अनदर वन फ्यूज विद देंट्रल सेल जहाँ पे टू पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट रहते हैं एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन विच रिजल्ट इन टू दमेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस विच फर्दर बाद में माइटोसिस प्रोसेस होते हुए इट फॉर्म्स एंडोस्पम सो ये हाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक सिनग्याी का प्रोसेस होता है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है नाउ अगर हम लोग बात करें क्योंकि इसमें जो दो तरह का फ्यूजन है सिनग्यामी एंड डबल ट्रिपल फ्यूजन विच बिकम्स डबल फर्टिलाइजेशन सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक तो हमारा जायकॉट का फॉर्मेशन हुआ और दूसरा जो है वो फॉर्मेशन हुआ हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जायगॉट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ दैट मींस यहाँ पे अमंग द ऑप्शन हम देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा दैट इज एंडोस्पर्म बिकॉज कॉर्टीलेडन्स एंडोकार्प एंड हार्मोन्स जो है ये सब बात के प्रोडक्ट से जो फॉर्म होते, होते हैं बट इनिशियली डबल फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं दे आर जायगॉट एंड एंडोस्पर्म इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू